नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं कि भी टेक्निकल। तो आज के इस वीडियो में मैं इस छोटे से सर्किट के बारे में बताने वाला हूँ। ये टच स्विच सेंसर है, मॉड्यूल है, तो ये किस तरह से वर्क करता है वो मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये देखिए, इसमें दो इनपुट है और दो आउटपुट है। यहाँ पे देख लीजिए, आउटपुट दिया हुआ है। इसमें आप 9 वोल्ट से 24 वोल्ट तक इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। यह 30 वाट का है। 30 वाट का जो भी प्रोजेक्ट है आप में, आप उसमें इसे यूज कर सकते हैं और ये 3 एम्पियर कंज्यूम करेगा। और अगर ये स्टैंड बाय में रहेगा तो 0.1 मिली एम्पियर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसे किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे और किस तरह से ये वर्क करेगा तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। इसका आउटपुट पिन कैसा है वो देखिए, इसे जब बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आउटपुट लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनपुट है। आउटपुट का मतलब आउटपुट, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो इनपुट है। तो इसका कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं फटाफट और आप भी सीख लीजिए किस तरह से ये बनता है। अगर ये प्रोडक्ट आपको लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे इसका लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो। तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इस टच स्विच के साथ मैं एक देखिए 12 वोल्ट का स्ट्रिप्ड लाइट जो है उसे यूज करने वाला हूँ। ये 12 वोल्ट से काम करता है। तो इसे मैं आउटपुट में इसे जलाकर दिखाऊंगा किस तरह से ये जलता है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं इसे। ये वाइट वाला वायर हमारा प्लस है, तो प्लस को प्लस की ओर हम सोल्ड कर देंगे। ये माइनस है, माइनस को हम लोग माइनस की ओर लगाएंगे। ये हो गया है। अब हम इसमें इनपुट डालेंगे। इनपुट आप 9 वोल्ट से 24 वोल्ट तक दे सकते हैं। प्लस माइनस आपको सही तरीके से लगाना, नहीं तो ये सर्किट बोर्ड खराब हो जाएगा। चलिए, हमारा ये कनेक्शन हो गया। अभी इसे हम जलाकर दिखाते हैं। तो इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये देखिए हमारा प्लस है, तो प्लस में हम लोग प्लस का डीसी सप्लाई देंगे और माइनस में माइनस देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एलईडी ग्लो कर गया। अब यहाँ पे जैसे ही हम टच करेंगे, ये देखिए लाइट जलने लगा अपने आप, और ऐसे टच करेंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम इसे डीमर के लिए, अगर डीमर के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इसे टच करके रखना है। देखिए लाइट तेज हो गया, अभी ये बंद नहीं होगा। अगर हम इसे लाइट को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरह से प्रेस करेंगे, ये अपने आप लाइट कम हो गया। अगर और कम करना चाहते हैं तो फिर से दोबारा रीसेट करके इसे कम कर सकते हैं। देखिए ये कम हो गया लाइट। आप जितना चाहें उतना लाइट को कम या ज़्यादा डीमर के लिए यूज कर सकते हैं इसे, और ऑन ऑफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर ऑन ऑफ करना है तो इस तरह से सीधा यहाँ पे टच कीजिए, ये अपने आप जल जाएगा और टच करने के बाद फिर बंद हो जाएगा। अगर डीमर का यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देखिए हाई हो गया। अगर इसे लो करना है तो थोड़ा सा इस पे हाथ को सटाएंगे, ये देखिए लो हो गया। ठीक है, मैंने इसे टेबल लैंप में सेट किया है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टच करूँ तो ये देखिए लाइन
बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा और टच करने से ये अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर डीमर के लिए यूज करना है तो यहाँ पे टच करके थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ये लाइट मेरा हाई हो गया, और फिर से दोबारा टच करेंगे तो जितना लाइट कम चाहिए आपको उतना कम में आप इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अगर ये आपको लेना है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।